दोस्तों, मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिर्ची, हरी मिर्ची का इंस्टेंट अचार बना के दिखाऊंगी। हरी मिर्ची हमने 200 ग्राम लिया है, उसको धोया अच्छे से, फिर सुखा के, फिर छोटे छोटे टुकड़े में काट के ये रख लिया है, ये मिर्च, हरी मिर्च। और मसाले एक एक चम्मच, बहुत कम मसालों में, बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में इतना स्वादिष्ट अचार बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अचार कैसे बनता है। तो ये है हरी मिर्च, और ये धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, ये थोड़ा जीरा कुटा भुना जीरे के का पाउडर है, ये है चाट मसाला, और ये है सौंफ थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये राई, सरसों का काली सरसों को हमने पीस के एक चम्मच ये है, और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सिरका, और थोड़ा सा हम डालेंगे लेमन। लेमन मेरे पास आधा ही था, तो मैं थोड़ा सा ये इसका ये जूस है ये मैं डाल दूँगी। तो चलिए इसको मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब मैं डालूँगी एक टीस्पून है नमक। ये जार को हमने धो के और रात भर, दो दिन से हमने उल्टा करके रख दिया था, तो इसका पानी सब ख़त्म हो गया है। सूखा जार है तो इसमें अच्छा अचार बनेगा। नमक हमने डाल दिया है, ये थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल हाफ टी स्पून डाली हूँ मैं। फिर मैं इसमें डालूंगी राई, सरसों पिसा हुआ एक चम्मच, सौंफ, ये चाट मसाला, और थोड़ा सा काला नमक, और डालूंगी मैं भुना पिसा जीरा एक चम्मच, आधा चम्मच हमने रखा है भुना पिसा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा हमने डाला है विनेगर, थोड़ा सा हम डालेंगे नींबू का रस इसमें, और थोड़ी सी हम डालेंगे लाल नमक, लाल नमक एक चौथाई ही हम डाले हैं। अब सबको मिला के ढक्कन बंद करके, सबको मिला के ढक्कन बंद करके हमें इसे हिलाते रहना है, दिन में दो तीन बार हिलाना है। तुरंत इंस्टेंट अचार आज ही खाने लायक तैयार हो गया है ये। तो चलिए मैं हिला के आपको फिर दिखाती हूँ कि उसका कलर कितना सुंदर है। देखिए, हमने इसको हिला दिया है ढक्कन को बंद करके, और कितना सुंदर इसका कलर आया। इंस्टेंट अचार बन के तैयार हो गया है। इसको आप बहुत कम समय में और बहुत कम इन्ग्रीडियंट के साथ ये अचार बना है। इसको दाल चावल, गरम गरम दाल चावल के साथ अचार को खाइए, बहुत टेस्टी। पराठे के साथ खाइए, समोसे के साथ खाइए, चाहे जिसके भी साथ आपको खाना हो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद है इसे आप पसंद करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, और मून्स किचन में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। ये इंस्टेंट नींबू मिर्ची का अचार है, तुरंत और बहुत कम इन्ग्रीडियंट के साथ बना है, तो कोई भी इसे अच्छे से खा सकता है। इसमें तेल बिल्कुल नहीं डला है, विदाउट ऑयल है। ये एक हफ्ते चलेगा, एक हफ्ते के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए तो कुछ दिन और चलेगा, 15 दिन के बाद आप नया बना लीजिए। चलिए, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।